गुज़िश्ता रोज़ ट्रेस पाकिस्तान ने हालारी मेमन जनरल जमात के ताउन से हालार हुनर के उन्वान से रोज़गार प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद की। तकरीब में नुमाया टर्नआउट देखा गया, जिसमें तकरीबन 75 खानदानों ने शिरकत की, जो अपने बच्चे को हुनरमंदी के फ़रोग के प्रोग्राम में शामिल करने के ख्वाहिशमंद थे। तकरीब के दौरान हालार मेमन जनरल जमात के सदर जनाब मोहम्मद फारूक मकदा ने हालारी मेमन बरादरी के नौजवानों को 100% मज़ाय फराम करने का अहद किया। हालार मेमन जनरल जमात के नुमाइंदों ने, जिनमें जनाब अब्दुल सत्तार छोटी, जनाब अब्दुल रज़ाक जिंदानी, जनाब बिलाल मेमन, जनाब सुलेमान सलीम और मोहतरम निदा सलमान नूर शामिल हैं, प्रोग्राम को कामयाब बनाने में ट्रेस पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। तकरीब में ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के सदर जनाब शब्बीर हारून और जनरल सेक्रेटरी जनाब उमर मोटलानी ने खुसूसी शिरकत की। जनाब शब्बीर हारून ने हालार मेमन जनरल जमात को इनके काबिले तहसीन इकदाम पर मुकम्मल ताउन का वादा किया। अब हमें चाहूँगा कि हालार मेमन जमात इसको लीड करे, हम इनके साथ हैं और ये भी प्रोग्राम हम तमाम मेमन कमेटी और पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के लिए कराएँ, क्योंकि हमारा विजन है तकरीबन ये जो हर साल 1500 बच्चे मैट्रिक के बाद 18,000 की ग्राउंड में जा रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहा और गुटके और उसमें लगे हुए हैं, तो उसको चेंज करें। तो वेरी वेल डन बिलाल और सुलेमान और सरदार भाई और उनकी टीम पूरी माशाल्लाह से आगार जमा को लेकर चल रही है, मैं उनको मुबारकबाद दूंगा। ट्रेस पाकिस्तान के CEO जनाब सलमान हारून को हालारी मेमन कम्युनिटी के 1000 मर्द और ख्वातीन नौजवानों को तरबियत देने का एजाज हासिल हुआ। मेडिकल में डॉक्टर बनने 5 साल बनने के बाद तो हाफ ऑफ के दौरान आपको 17,000 सैलरी मिल रही है, जो आपको 2 साल करनी है और CA करने तो 12-13,000 के ऊपर इंटर्नशिप भी मिलती है, शुरू में 1 से 2 साल। तो ऐसे क्या काम है जो आपको बहुत जल्द अच्छी इनकम दे सकते हैं और आपके कम तारीफ में भी आपको सपोर्ट कर सकते हैं। हम हुनरमंदी की तरक्की के जरिए नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए पुरअज़म हैं और माशरे में मुस्बत असर डालने के लिए पुरअज़म हैं।